एक मुंह लगा भक्त कहता है कि हे राधा रानी, तुम तो कृपा की मूर्ति हो, तुम मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। और तुम्हारे पास जो कृपा है वो ऐसी तो है नहीं कि कुछ कम हो जाएगा उसमें से, क्योंकि भगवान की सब चीजें अनंत हैं। अनंतम ब्रह्म, उनके माइक ब्रह्मांड भी अनंत हैं, और जितने गुण हैं वो भी सब अनंत मात्रा के हैं। को वा अनंतस्य गुणाननंतानुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि 11:4-2 भागवत। अनंत भगवान की सात वस्तुएं अनंत मात्रा की, वो अनंत से अनंत निकालो तो भी अनंत बचेगा। और हम तो थोड़ी सी कृपा मांग रहे हैं तो घटने का सवाल नहीं, फिर कृपणता क्यों? देखिए, कृपा की मूर्ति किसे कहते हैं? मूर्ति कहते हैं जिसमें उस वस्तु के सिवा और कुछ न हो। जैसे दिवाली पर केवल चीनी की मिठाई भी बनती है बच्चों के लिए, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, उसमें और कुछ नहीं होता। चाहे उसका मुंह खाओ हाथी का, चाहे दांत खाओ उसका, चाहे पैर खाओ, सब चीनी चीनी चीनी। तो वो चीनी की मूर्ति है। ऐसे ही आपके जितने अंग हैं वो सब कृपा के बने हैं। भगवान की जितनी शक्तियां हैं वो सब चेतन हैं। हम लोगों की शक्तियां जड़ हैं। जैसे किसी ने कहा ये बड़ा सुंदर है, तो ये अलग है, सुंदर ये गुण है वो अलग है, इसमें सुंदरता है, इसमें बल है, वहां ऐसा नहीं है। वो भगवान की कृपा शक्ति ही नारी रूप में राधा रानी बन गई। कृपा कृपा कृपा, चरण भी कृपा, सिर भी, मुख भी, आंख भी, सब कृपा के बने हैं। उनमें कृपा है ऐसा नहीं है, ऐसा तो और भगवान के अतिरिक्त जितने हैं और कौन है? अरे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और तमाम महापुरुष जो भगवान को प्राप्त कर चुके,
उनमें भी कृपा होती है, लेकिन उनमें कृपा होती है, वो कृपा नहीं होते, कृपा की मूर्ति वो नहीं होते, उनके भीतर कृपा का गुण होता है, भगवान से ज्यादा होता है महापुरुषों में। लेकिन भगवान के एक एक गुण की मूर्ति होती है, एक कृपा की मूर्ति है, एक सुंदरता की मूर्ति है, हर गुण की। अब तो और प्रश्न नहीं उठता कि कमी हो जाएगी। लेकिन कृपा नहीं किया और अनंत जन्म बीत गए, इसलिए और आश्चर्य है, क्योंकि जीवात्मा की मां तुम ही हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों की मां केवल राधा रानी। तो तुम्हारा बेटा अनादिकाल से भीख मांग रहा है, कोई आज ही नहीं मांग रहा है मनगढ़ में बैठ के, अनंत जन्म में हमको मानव देह मिला है और संसार के चप्पल जूते खाए हैं और वैराग्य हुआ है और इसी प्रकार किसी महापुरुष के पास बैठे हैं और राधा रानी से मांगा है लेकिन मिला नहीं, तो क्या आप कानून बदल गया आपका? हो सकता है हमारी दुनिया भी जनतंत्र की गवर्नमेंट में कानून बदलता रहता है, अरे ये तो मूर्खों की गवर्नमेंट है, इसमें बदलता रहता है, भगवान तो सर्वज्ञ सर्वविद जस्य ज्ञानमयं तपः, वेद कहता है वह परिवर्तन नहीं होता लॉ का। फिर क्या बात है? बात है ये कि हम लोगों का मांगना गलत है, मांगना मांगने में सर्वप्रथम विश्वास होना चाहिए, अवश्य देंगी, वो नहीं है। आके बागर राधा रानी जब तक कंप्लीट सरेंडर न होगा, पूर्ण शरणागति न होगी, तब तक हमारा मांगना सही नहीं है। कोई दो चार दिन का भूखा हो और वो मांगे एक रोटी दे दो, वो मांगना सही है, और पेट भरा हुआ है और कहता है एक रोटी दे दे, तो उसकी आवाज में अंतर होगा, वो एक्टिंग कर रहा है, बहुत भूखा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था
तो द्रौपदी ने हाथ से साड़ी पकड़ा, ताकत लगाया, लेकिन 10,000 हाथी का बल था दुशासन में, एक अबला की ताकत क्या होती है। हाथ से साड़ी खिसक गई, उड़ ले गया खिसका के, तो दांत से दबाया, आखिरी प्रयत्न। भगवान खाना खा रहे थे द्वारिका में, रुक्मिणी परोस रही थी, तो खाना खाते खाते उसका चबाना भगवान ने बंद कर दिया और आकाश की ओर देखते हुए वैसे मुंह खुला रखा। तो रुक्मिणी ने कहा, महाराज क्या हुआ? जैसे हमारे संसार में कोई दाल चावल खा रहा है और खाते खाते एक कंकड़ आ जाए तो ऐसे निकालता है बेचारा, ऐसी पोद हो गई ठाकुर जी की। तो उन्होंने कहा कि अरे एक भक्त पर मुसीबत आई है। तो रुक्मिणी ने कहा, जाओ अरे लौट के खा लेना। अरे तू नहीं जानती, वो ठीक से नहीं बुला रही है। ठीक से क्या बता देंगे, अभी चुप रहो। जब द्रौपदी ने आंख मूंद लिया और हाथ छोड़ दिया, अब दांत से भी छोड़ दिया, हाथ ऊपर कर दिया, हे नाथ द्वारिका बासिन, तो साड़ी रुक गई। अब वह लगा रहा है ताकत दुशासन, साड़ी वहीं रुकी है। वो पसीना पसीना हो गया और गिर गया और साड़ी वहीं की वहीं रही। तो उसने समझ लिया कि ये स्पिरिचुअल पावर आ गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान द्वारिका से वहां पहुंच गए और चीर बन गए, साड़ी बन गए। तो भगवान को कोई जीत ले तब तो द्रौपदी की साड़ी आगे खिंचकर भगवान की ताकत जब आ गई तो अब तो सभी को हारना पड़ेगा, 10,000 हाथी क्या होता है। तो मांगना, हमने कभी सही सही नहीं किया, और अहंकार फिर भी हमने तो ऐसा किया, इतना जप किया, पाठ किया, पूजा किया, आंसू बहाए, लेकिन सब जगह अहंकार रहा। मैं जरा सा आंसू निकल गए तो देख रहा है कि सब लोग देख रहे हैं ना कि हमने आंसू बहाया, यह भी अहंकार। ये ऐसी भ्रष्ट बुद्धि हो गई है हम लोगों की, अनादिकाल से माया ने नष्ट कर दिया है। अपराध करे तो फील नहीं करते, ऐसा हुआ ना, भगवान ऐसा नहीं करते, महात्मा ऐसा नहीं करता, सब की गलती, हम बिल्कुल ठीक। जहर घोल देते हैं अमृत में, तो
तो भगवान कहते हैं, राधा रानी कहती है, ठीक से मांगो। जब बच्चा छोटा सा होता है और ठीक ठीक भूख से रोता है तो मां नहीं सह सकती। वो पति को वस्त्र दे रही है तो भी लो इसको पहन लो भाई, वो रो रहा है देखो। संसारी मां जो जिसमें कृपा गुण भी नहीं है, कृपा गुण तो भगवत प्राप्ति के बाद मिलता है, उसके पहले कोई कृपा कर ही नहीं सकता। और ये बड़े बड़े दान करते हैं श्रेष्ठ लोग, अरे ये कृपा नहीं है, बिजनेस है। क्या बिजनेस है? एक तो संसार वाले हमको अच्छा कहेंगे, बड़ा दानी है, और दूसरे मरने के बाद शास्त्र में लिखा है कि तदानंत्याय कल्पते, कई गुणा हो करके उस जन्म में मिलेगा। ये स्वार्थ लेकिन भगवान को तो कोई स्वार्थ है नहीं, महापुरुष को तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, उनको हम क्या दे सकते हैं? संसार, संसार क्या आनंद सिंधु है? उनके पास तो आनंद सिंधु है, हम जो देंगे वो संसार ही होगा। यत् पृथिव्याम ब्रीहिरवम, जितना संसार में सामान है वो मिल करके भी और उनके सामान के एक कण के बराबर भी नहीं हो सकता। एकमेवाक्षरम जस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधये, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा चांद्रणो भवेत। गुरु एक ज्ञान भी अगर भगवान संबंधी हमको दे दे और हम सोचें कि ऊर्ण होने का जो भी मूल्य होगा देंगे, तो सारी पृथ्वी दान कर दे तो भी ऊर्ण नहीं हो सकता। वहां तो दिव्य सामान है, आपको जो भगवान ने या संत ने दिव्य ज्ञान दिया वो किसी पैसे से मिलेगा? कहाँ है, कौन दुकानदार है? तो कृपा महापुरुष और भगवान ही करते हैं, और वो कृपा ठीक ठीक मांगने पर करते हैं, दान नहीं मांगते। न दान हम दे ही सकते हैं, कितने ही बड़ा तपस्वी हो, नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र नया स्वर्ग बना दिया वशिष्ठ के झगड़े में, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह को नहीं जीत पाए, माया को नहीं जीत पाए। तो संसार की कोई भी साधन साध्य वस्तु नाइक होगी। ध्यान दो इस वक्त, किसी भी तपस्वी योगी ज्ञानी की
की हुई साध्य वस्तु किससे की है? प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से की है भाई, और मेरे पास दिव्य वस्तु है ही नहीं। तो प्राकृत से की हुई वस्तु का फल प्राकृत ही होगा, दिव्य नहीं होगा। अब भगवान की हर चीज दिव्य, तो फिर कौन दाम देगा, कैसे देगा? लेकिन हम लोग क्या बात है, एक भिखारी को भी अगर 100 रुपया दे दिया तो चारों ओर देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना, वहां भी अहंकार ले ऐसे देते हैं। जैसे हम जो कुछ अपने पास हमारे है, ये मां के पेट से लाए थे मेरा, और ये सृष्टि तो भगवान की है, यहीं पर तुमने ये सब इकट्ठा किया है ना, रुपया पैसा मकान, ये सब भगवान के एरिया का तो सामान है, उसमें से तुमने थोड़ा सा दिया है, उसमें भी अहंकार। ये बुद्धि भ्रष्ट है हम लोग। तो वो मांगना, वो दान करना, वो सब गलत हो रहा है। राम के बाप दशरथ, उनके बाप आज उनके बाप रघु, सारा अपना वैभव दान कर दिया और मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे थे। तो जा रहे थे ऐसे मिट्टी का बर्तन लेके, तो दो राहगीर रास्ते में मिले, तो उनसे पूछा होगा, भैया यहां कोई गांव आसपास है? तो उन्होंने बता दिया, आए थोड़ी दूर पर चले जाओ, दाहिने हाथ एक गांव है। और उनके पीछे पीछे चले कि ये शरीर तो इनका बड़ा सुंदर है, बड़ा गठीला है, और ये एक मिट्टी का बर्तन लेके जा रहे हैं ये तो कोई बड़े आदमी लगते। अरे ओ सुनो, आपस में बात कर रहे हैं, सुना है कि वो राजा रघु जो अपने हैं ना, वो सब दान कर दिए हैं और मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, खाना खाते हैं मिट्टी के बर्तन में। रुक गए रघु, उसने कहा क्या कह रहा है रे? भूल गए कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या कह रहा है? मैं कहा हमारे राजा रघु ऐसे हैं, ये कह रहा हूं, क्या बकबक करता है तू? उन्होंने कहा एक बात बता इधर, तेरे राजा रघु क्या मां के पेट से लाए थे ये बड़ा भारी वैभव? बेचारा क्या जवाब देता हो, गांव का गंवार। उन्होंने कहा नहीं, मां के पेट से तो कोई कपड़ा भी पहन के नहीं आता। तो फिर ये भगवान का सामान था और सब भगवान के बच्चे हैं। अगर एक बच्चे ने भगवान का सामान दूसरे बच्चे को दे दिया तो कोई कमाल। बेचारा हो चुप हो गया, चले गए अपना रघु आगे। याज्ञवल्क एक महापुरुष हुए हैं, वेदों में उनका नाम है। उनके पास एक राजा गए, उनको वैराग्य हुआ और सब छोड़ छाड़ के
बीबी बच्चे सब रो रोने रहे, रो रो हम नहीं जा, तो जा रहे हैं। और जाके चरणों में गिर गए याज्ञवल्क। याज्ञवल्क ने देखा ये मुकुट पहन करके आइए, कपड़े इनके मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान मांगने आया है ये तो कोई जोकर है। तो उन्होंने कहा जा त्याग करके आ। उन्होंने कहा अरे महात्मा के पास आए मुकुट पहन करके ये गलती किया। तो कुछ दूर गए, लंगोटी लगा के और सब कपड़ा सपड़ा निकाल के, महाराज गलती हो गई, मैंने कहा ना कि जा त्याग करके आ। तो उन्होंने कहा लंगोटी भी निकाल दूं, नंगा जाऊं महात्मा के पास, ये भी तो बुरी बात होगी। लेकिन अब चलो जा रहे हैं, और तो कुछ ही नहीं है अब हमारे पास, नंगा है। मैंने दो बार कहा कि जा त्याग करके आओ, फिर वही गलती किया, अब मत आना मेरे पास। बेचारा गया, कुछ दूर जाके बैठ गया, सोचने लगा कि क्या त्यागू, शरीर त्याग दू, जहर खा लू, अब क्या बचा है, क्या त्यागू। याज्ञवल्क कैसे बार बार कहे जा रहे हैं, ठीक है दो चार दिन वैसे बैठा रहा बिना खाए पिए, भीख माफ नहीं मांगने गया कहीं, अब चक्कर आने लगा। अब याज्ञवल्क ने देखा कि हां अब ठीक हो गया है, तो घूमते हुए उधर गए और कहा राजन, और नहीं बोला। अरे वो कौन है त्यागी बैरागी जोगी बैठा है यहां, नहीं बोले। तब जाके चिपटा लिया, अब त्यागी हुआ है तू चल। त्यागी होने के बाद त्यागी होने की भावना भी नहीं होनी चाहिए, तब त्यागी है। और हम लोगों को तो छोटी छोटी बात में भी अहंकार होता है। तो इसी कारण से हम जो वाक्य बोलते हैं भगवान के आगे, कृपा करू कृपा करू, उसका लाभ नहीं मिल पाता, 100% व्यर्थ नहीं जाता, 0.1% भी मिले फल मिलता है, लेकिन 100% फल चाहते हैं हम तो। अपनी गलती हम नहीं स्वीकार करते। आज तुम कहा घट जाए, मारा क्या घट जाएगा, ऊपर से भगवान के लिए ऐसे वाक्य बोलते हैं। तो रसिक लोग भी बोलते हैं ऐसे, तो उनके वाक्य से तो भगवान को खुशी होती है, बड़ी ममता है, इसके अधिकार है हमारे ऊपर, इसलिए डांट रहा है हमको। लेकिन हम लोग भी जो बोलते हैं उसमें तो अहंकार है, इसलिए ठीक ठीक अगर कभी किसी दिन हम मांगेंगे तो भगवान को देने में क्या लगता है, वो तो तैयार बैठे हैं। धन्यवाद।